सब्सक्राइब कीजिए एग्जा इन्फो बड़ी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट एग्जा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो बड़ी। दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं, यूपी SSSC वीडियो के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, बताना चाहूँगा, आपको पता होगा वीडियो का एग्जाम हो चुका है, उसके आंसर की भी आ चुकी है। अब इसका वेट हो रहा है रिजल्ट का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका रिजल्ट जो है अभी जल्दी नहीं आएगा। हो सकता है पेपर भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि पेपर में जो है बहुत ज़्यादा नकल की खबरें आ रही हैं आपके डेली जो है न्यूज़पेपर में। जो भी न्यूज़पेपर होते हैं आपके डेली, कोई ना कोई एक नई न्यूज़ आ जाती है नकल को लेके, तो जहाँ तक संभावना है ये पेपर कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी चलिए दोस्तों, जो हमारा काम है वो आपके सामने हम कर रहे हैं। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आए हैं वीडियो की, जिससे कि आपके जो नंबर आपने गेन करें अपने एग्जाम में, जिसके ज़रिए आप पता कर पाएँ, एक अंदाज़ा लगा पाएँ कि आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं बाहर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी वीडियो की वैकेंसी आई हुई है 2018 में, उसकी जो है टोटल वैकेंसियाँ थी आपकी 1953, जो कि तीन पार्ट में डिवाइड थी आपके। एक था आपका ग्राम पंचायत अधिकारी, दूसरा था आपका ग्राम विकास अधिकारी, और तीसरे थे आपके समाज कल्याण अधिकारी। जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसियाँ सबसे ज़्यादा थी इसमें 1527, और ग्राम विकास अधिकारी उसकी थी आपकी 362, और आपके समाज कल्याण अधिकारी की थी 64। ये तीन तरह की वैकेंसियाँ थी यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, अब इसके ये कट ऑफ के बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नया नया विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं लेटेस्ट और रियल एग्जाम इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों बता दूं, अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो भी आपको अपना जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जो है हम अपने चैनल पर जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती हैं, जो भी वैकेंसी की अगर वैकेंसी निकलती हैं या आंसर की आती है या कोई भी एडमिट कार्ड आता है, तो उसके बारे में जो सारी आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड होंगी, जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में और आपकी नौकरी में। दोस्तों नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो डलती है तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। और दोस्तों सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री, दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, जो है आपने थंबनेल देखा होगा, जो हम जो जो आपकी कट ऑफ बनाएंगे 2018 की, वो 2016 की कट ऑफ को कंपेयर करते हुए 2018 की कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको 2016 के कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर हैं यहाँ पे, और 2018 के भी हैं, इन पे दोनों के कंपेयर करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे भी दिखाई देता हूँ उसमें। देखिए दोस्तों, मैंने आप चार पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, एक वैकेंसी, नेगेटिव मार्किंग, प्रेजेंट और पेपर। पेपर कैसा था पेपर का जो है, तो वहाँ पे ये चारों जो इंपोर्टेंट का फैक्टर होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आपका सबसे पहला वैकेंसी, जो आपकी वैकेंसी थी 2016 में वो थी आपकी 3133, और 2018 में जो आपकी वैकेंसियाँ हैं वो है 1953। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी हो गई हैं आधी, तो इससे जो कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग, देखिए दोस्तों बता दूँ आपको, 2016 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जाम पे। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती, और नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाती है यहाँ पे। तो आपको बता दूं मैं आपको, 2016 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी यहाँ पे आपकी, और 2018 में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग दे दी है 1/2 की। इसका मतलब है अगर आपके दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। इसका मतलब जो आपकी 50% की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे दी है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी मात्रा होती है 50% की यहाँ पे। तो इसका भी बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है आपके कट ऑफ को कम करने में। और दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट मैं आपको दिखा दूँ, 2016 की प्रेजेंट तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं पाई, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी उसके बारे में जिक्र नहीं करा है। लेकिन मैं 2018 के आपको बता सकता हूँ, 2018 में जो है 70% जो है आपके विद्यार्थी वहाँ पे उपस्थित रहे थे एग्जाम में, 70% प्रेजेंट रही थी। और देखिए दोस्तों, पेपर का मोड देख सकते हैं, पेपर कैसा था इस समय 2016 में जो पेपर आया था दोस्तों, वो जो है 2018 के अकॉर्डिंग बहुत ही सरल पेपर था। उसमें जितनी जो 2018 में पेपर आया उसके अकॉर्डिंग जो है 2016 का एग्जाम जो था सरल था। लेकिन जो 2018 में जो एग्जाम आया दोस्तों, वो जो मॉडरेट था, और उसके साथ में जो लेंथी भी था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यूपी SSSC जो अपने यूपी पुलिस का भी पेपर कराया है उसने, तो वीडियो में जो हिंदी आई थी वो मिलती जुलती आपकी यूपी पुलिस जैसी ही हिंदी थी, कोई ज़्यादा कठिन नहीं थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप अगर हम बात करते हैं आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ही टफ थी दोस्तों। वो कैसे थी, बहुत लेंथी थी, आपके एक ही क्वेश्चन में आपके 3 दिन टाइप लगाने पड़ रहे थे, तब हमको एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल पा रहा था। तो लेंथी थी, बहुत टाइम टेकन थी, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी आपकी रीजनिंग जो थी। तो इसलिए इसका जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहने वाला है आपके कट ऑफ पर भी। और दूसरा आपका, तीसरा था आपका GS, जो कि यहाँ पे वो भी आपकी टफ थी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2016 के हिसाब से। 2018 में जो GS आई थी वो कठिन थी दोस्तों, तो पेपर जो इस बार जो कठिन था आपका, मॉडरेट था, लेंदी भी था, टाइम बहुत
ज़्यादा ले जाते हैं यहाँ पे, और इससे जो स्टूडेंट के हमारे पास से कमेंट आ रहे हैं सर टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी एग्ज़ाम में। दोस्तों देखिए 2016 को मैंने यहाँ पे देखा और 2018 की, अब देखिए 2016 की हम कट ऑफ देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी 2016 में। तो दोस्तों देखिए 2016 में आपके, आपको पता था प्रोसेसिंग जो थी आपकी, सेलेक्शन प्रोसेसिंग क्या थी, आपके सबसे पहले रिटर्न एग्जाम था और उसके बाद में इंटरव्यू होना था आपके 2016 में, ऐसा हुआ था। लेकिन 2018 में इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है, 2018 में ये इंटरव्यू नहीं है। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ पहले यहाँ पे आपके रिटर्न एग्जाम की जो कट ऑफ गई थी, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जो रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ गई थी वो गई थी यहाँ पे अभी 66, उसमें इंटरव्यू के नंबर यहाँ पे जुड़े थे जिसकी इंटरव्यू की गई थी यहाँ पे 12, तो टोटल आपके 78 रहा था यहाँ पे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2018 में इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 66% मान लिया है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए 66 पहुँच गया है, अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ये 60% से भी नीचे रहती इसकी कट ऑफ 2016 में। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जनरल की आपकी रही है 78 और OBC में ज़्यादा फर्क नहीं रहा, 77 केवल एक नंबर की फ़र्क रहा था, और SC की रही थी आपकी 70 और वो आपकी वुमेन की रही थी यहाँ पे 64। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, अब देखिए मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे 2016 के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं 2018 की। दोस्तों देखिए एक 2018 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, ये हमारी कट ऑफ जो है 99% सही रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी हमने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, जैसे कि आपकी यूपी पुलिस और आपकी राजस्थान पुलिस, ये जो इनके जो एग्जाम होते हैं इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना के मैंने अपने चैनल पे दी, जो कि जो है 99% जो है केवल एक दो नंबर का ही फर्क रहा था मेरी कट ऑफ और ऑफिशियल कट ऑफ में। दोस्तों आप जो है इस पर विश्वास कर सकते हैं मेरी इस कट ऑफ पर। दोस्तों देखिए मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे आपका, यहाँ पे हमने कितना 66 था यहाँ पे 2016 में, 66 था आपका जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए 66 था। लेकिन जो है 2018 में बहुत ही बड़ी मात्रा में नेगेटिव मार्किंग हुई है यहाँ पर, 1/2 की बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा हमको पता है इस बार एग्जाम था 300 नंबर का, क्योंकि 150 क्वेश्चन आए थे आपके और 2 नंबर का क्वेश्चन था, 300 नंबर का क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे इसका 60% लिया है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वैसे कट ऑफ कम रहने वाली है, तो मैंने यहाँ पे इसका 60% लेते हैं तो आपके सामने निकल के आता है 180। देखिए दोस्तों हमारी जो कट ऑफ है 99% सही रहने वाली है, आपकी जनरल की जो है 180 से ऊपर नहीं जाने वाली, अगर 180 से ऊपर जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स, अगर आप 5 नंबर लेके चल सकते हैं उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाने वाली। और OBC की यहाँ पे रहने वाली 175 और SC की रहने वाली आपकी 170 और वुमेन की रहने वाली 155। दोस्तों बताना चाहूँगा आप हमारी इस जो है कट ऑफ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, जो कि बिल्कुल सही रही है हमारे इस चैनल की। दोस्तों देखिए अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले जो इसके बारे में डाटा कलेक्ट करना पड़ता है हमें, उसके बाद ही हम आपके सामने यहाँ पे पेश करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको झूठी खबर नहीं देते, पूरी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ही आपके लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, जो वीडियो का एग्जाम दे के आए हैं उनके बीच हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी एक एक्सपेक्टेड जान पाए यहाँ पे कि उनका जो है कितना नंबर आया हुआ है। दोस्तों अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है Facebook का, Facebook पेज का, तो वहाँ पे जाके आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर फ्रेंड्स।